तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक में वीडियो होने वाला है, आज मैं एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर के लाइन में काम करना चाहते हैं, तो आज मैं जो टूल लेकर के आया हूँ ये नया टूल है। इस टूल को हम लोग बोलते हैं ग्रिफिन अनलॉकर, ग्रिफिन अनलॉकर। तो दोस्त, ये मैं जो टूल लेकर के आया हूँ ग्रिफिन अनलॉकर जो टूल है, इस टूल के माध्यम से आप काफी ऐसे मोबाइल फोन आते हैं मोबाइल फोन का अनलॉक कर सकते हैं। ये टूल जो काम करता है सेम अनलॉक टूल की तरह ही काम करता है, जैसे अनलॉक टूल चलता है वैसे ये भी टूल काम करता है, लेकिन इस टूल के अंदर जो फीचर्स हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, एडवांस हैं, जो बाकी टूल में नहीं है। अगर इसमें से अगर आप देखेंगे तो वो पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है, ये टूल सब जगह चार काम करता है, ऑनलाइन काम करता है। दूसरी बात क्या, ये टूल हमारा आईडी पासवर्ड पे चलता है, जैसे अनलॉक टूल चलता है ये भी टूल तुम्हारा आईडी पासवर्ड पे चलता है। इस आईडी पासवर्ड के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आप गूगल में इस टूल में जाकर के आप इसी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। आईडी क्रिएट करने के बाद इस टूल का उपयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप कोई भी मोबाइल फोन आते हैं आप उस मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनलॉकिंग। अनलॉकिंग का मतलब उसमें से या तो पिन लॉक लगा हो या पैटर्न लॉक लगा हो या तो मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक लगा हो, ETC, मोबाइल फोन के अंदर कोई भी लॉक लगा है आप उस लॉक को बहुत आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बिल्कुल एक चुटकी के अंदर। अब चलिए हम चलते हैं इस टूल का यूज कैसा करेंगे, यूज करने का तरीका क्या होता है, कितने रुपए का टूल आता है, कैसे परचेस किया जाता है, कैसे आप टूल को डाउनलोड करेंगे, गूगल में कहां पर कौन सी वेबसाइट में जाएंगे, इन सब चीज के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा चिप लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर हम आपको आईसी लेवल तक की पूरा कंप्लीट काम सिखाते हैं, कोई भी मोबाइल फोन को दोस्त कैसे रिपेयर किया जाएगा, रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या होता है, रिपेयरिंग करने का टेक्निक क्या होता है, रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे आप मोबाइल फोन रिपेयर करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको सब चीजों को ट्रेनिंग में पूरा इंक्लूड रहता है और हम आपको सिखा दें। अच्छा, जो ट्रेनिंग सेंटर पर था ये तुम्हारा कानपुर सागर मार्केट में है, कानपुर सागर मार्केट कानपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 500-600 मीटर पास में नियर अबाउट है, आराम से आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में आ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टूल को पर। अच्छा, इस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, सबसे पहली बात, ये टूल जो रहता है तुम्हारा 3 महीने 6 महीने और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन में लेना चाहते हैं तो समथिंग 2000 का आता है, 6 महीने का लेना चाहते हैं तो 3000 रुपए का आता है, और अगर आप 1 साल का लेते हैं तो ये आपको 4500 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। तो आप इस टूल को आप परचेस कर सकते हैं। टूल परचेस करने के बाद इससे जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी तरह के कैटेगरी के सभी मोबाइल फोन को बिल्कुल एक इजी वे में आप अनलॉक कर सकते हैं। चलिए टूल को यूज कैसे करेंगे। टूल को यूज करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्त गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाकर के सर्च करना पड़ेगा ग्रिफिन अनलॉकर। क्या लिखना पड़ेगा, ग्रिफिन अनलॉकर, या तो गूगल में जाकर के कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं www.griffinunlockertool.com, ऐसा करके लिखेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप इसको डाउनलोड करेंगे। जब आप इसकी वेबसाइट में चले जाएंगे तो वेबसाइट में जाने के बाद यहां पर बहुत अच्छी एक चीज क्या दी होती है, सबसे पहली बात में दो चीजें डाउनलोड होती हैं। एक तो पहली चीज डाउनलोड होती है टूल, जिससे तो आप काम करने वाले हैं। दूसरी चीज यहां पर जो डाउनलोड होने वाली है वो होता है ड्राइवर। इसमें एक बार में ही जितने भी सारे मोबाइल फोन के ड्राइवर होते हैं वो सारे डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपकी मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि मतलब कोई भी मोबाइल फोन है आप बड़ा आसानी से आप किसके साथ में
पोर्ट बना सकते हैं और फोन कनेक्ट हो जाएगा, जब फोन कनेक्ट हो जाएगा तभी लॉक टूटेगा। तो इसके लिए ये टूल पहले दिया होता है, टूल के बाद इसमें ड्राइवर भी दिया होता है। और हम लोग मोस्टली, अगर आप लोग की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जैसे आप अनलॉक टूल यूज कर रहे हैं, यूएमटी यूज कर रहे हैं, या कोई भी डोंगल, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप ऐसा टूल है और ऐसे टूल को अगर आप यूज करेंगे, तो इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन के लॉक को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ पाएंगे और इजी वे में हम लोग मोबाइल फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, टूल को यूज करना सीखते हैं और टूल के बारे में समझते हैं, टूल कैसे काम करता है उसके तौर तरीके सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग कंप्यूटर पे आ गए। कंप्यूटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। देखिए मैं साइड में सिस्टम कर लेता हूं, सबको दिखाई दे रहा प्रॉपर वे में। हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। कहां पर जाएंगे दोस्तों, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहां पर हम लोग यहां पर टाइप करेंगे, यहां पर लिखेंगे ग्रिफिन अनलॉकर। ये देखिए नीचे लिख करके आ रहा है, जैसे ग्रिफिन अनलॉकर लिखेंगे तो ग्रिफिन अनलॉकर की आप वेबसाइट में चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ड्रैगन जैसा ऐसा बना होता है, ऐसा लोगो बन करके आता है। तो ये ग्रिफिन अनलॉकर की वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमारी खुल जाती है। इसी वेबसाइट में जाकर के हम लोगों को डाउनलोड करना है। क्या करना भैया, इसी वेबसाइट में जाकर के आपको डाउनलोड करना है। चलो चलते हैं, हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रिफिन अनलॉकर टूल में जाएंगे। जैसे आप ग्रिफिन अनलॉकर टूल में जाते हैं तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। आप इसकी स्क्रीन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में यहाँ पर होम का ऑप्शन आता है, ये सपोर्टेड मॉडल आते हैं। सपोर्टेड मॉडल का मतलब होता है ग्रिफिन अनलॉकर जो टूल होता है क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ पर देखेंगे एप्पल, वन प्लस, इन्फिनिक्स, LG, मीडिया टेक, शाओमी, हवाई, ओप्पो, रियलमी, वीवो, वीको, सैमसंग, आईटेल, गूगल पिक्सल, लावा, अल्काटेल, आसूस, बहुत सारे मोबाइल फोन है। सारे मोबाइल फोन का इसने पूरा ठेका ले रखा है लॉक छोड़ने का। आप यहाँ पर डाउनलोड में चले जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए हमारा स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर रीसेलर का भी ऑप्शन आता है, आप रीसेलर में चले जाएंगे। रीसेलर के मतलब का मतलब होता है कहाँ कहाँ से टूल को ऐसे आप परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, कि फिर सारा सब कुछ खुल जाता है। आप होम पे जाइए, होम पे जाते ही यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप डाउनलोड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन का यूज करना है। सबसे पहली बात दोस्त, इसमें से पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड ग्रिफिन अनलॉकर टूल, दूसरा आता है ड्राइवर ऑल इन वन ऑफलाइन ड्राइवर, इम्पोर्टेंट ड्राइवर, इम्पोर्टेंट ड्राइवर सारा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सेटअप को डाउनलोड करते हैं। सेटअप में डाउनलोड करने पर डायरेक्ट लिंक ऑप्शन आ जाता है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग चालू हो जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड ऑल ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्त ड्राइवर ऑल ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए हमारी एक वेबसाइट खुलेगी, वहां पर नीचे डाउनलोड करने का लिंक हमारा जनरेट होकर के आएगा। चलिए कहां पर आ रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक ही ऑप्शन आएगा, आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है डाउनलोड ड्राइवर ऑल टूल। देखिए ये ऑप्शन जनरेट होकर आएगा। सबसे नीचे पेज में जब आप जाएंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये भी हमारा डाउनलोड के लिए चालू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर भी डाउनलोड होना चालू हो गया है। ये ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद इस ड्राइवर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग उपयोग करेंगे, उसके माध्यम से मोबाइल फोन में लॉक खोलेंगे, लॉक तोड़ेंगे। कैसे मोबाइल फोन में हम लोग लॉक को खोल पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फोल्डर हमारा बन के आ जाएगा। फोल्डर बनने के बाद ये हमारा सेटअप खुल के आएगा। सेटअप में क्लिक करेंगे, सेटअप में क्लिक करने के बाद अनलॉकर पे क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट का ऑप्शन आता है, कट कर लिया। दोनों को कट करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बना लिया, टूल नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद फोल्डर के अंदर हम लोग उसको पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट करेंगे तो दोनों सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन पे आ गए। अब आपको क्या करना है, जितने भी दोनों सॉफ्टवेयर हैं, दोनों सॉफ्टवेयर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करना है। क्या करना है,
एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये सेटअप आपका खुल करके आ जाएगा। उसके बाद ड्राइवर पे आप क्लिक करेंगे, इसको भी आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हेयर करते ही इसका भी सेटअप खुल करके आ जाएगा। जब आपका इसका सेटअप खुल करके आ जाएगा तो ड्राइवर का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, ड्राइवर ऑफलाइन ड्राइवर, आपको इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ओपन करते यस आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा तो एक बार आपको बताना चाहता हूं, जो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है कि एक बार में ही साइलेंट मोड में सारे ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल फोन से तुरंत फास्टली कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो चाहे सिस्टम आपका किसी भी तरह का क्यों ना हो। अब आप यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है तो इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख करके इंस्टॉल प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन चालू हो गया। इंस्टॉल इज ए साइलेंट ऑल ड्राइवर, जितने भी सारे ड्राइवर हैं सारे ड्राइवर साइलेंट मोड में एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे। तुम्हारा सैमसंग है, क्वालिकॉम है, मोटरोला है, एलजी है, एचटीसी है, मीडियाटेक, हवाई है, एसपीडी, यूनिशॉक है, एडीबी है, तो हमको कौन कौन से ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, हमको मोस्टली इन्हीं ड्राइवर की जरूरत पड़ती है और ये सारे ड्राइवर हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। ज्यादातर देखा जाए हमारे पास रनिंग फोन सैमसंग आता है, क्वालिकॉम आता है, मीडियाटेक आता है, एसपीडी आता है। ये चार मोबाइल फोन ऐसे हैं जो मोबाइल फोन अगर रिपेयरिंग की दुनिया में देखा जाए तो मोबाइल फोन लोगों ने तबाही मचा रखा है। चार ही कंपनी के मोबाइल फोन चल रहे, या तो सैमसंग के अंदर एक्सनॉस आ रहा है, ये तो क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, ये चार ही मोबाइल फोन हमारे आस पास चारों तरफ है। अब सैमसंग में एक्सनॉस सीपीयू जो रहा है, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी उसमें भी आता है, और तुम्हारा जितने भी हॉनर, हवाई, लावा, माइक्रोमैक्स, एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, इन्फिनिक्स, इंटेक्स, सब के अंदर ये ड्राइवर यूज हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे ड्राइवर को इंस्टॉल हो जाने दीजिए। चलिए यहां पर देखेंगे ओके का ऑप्शन आता है, आप ओके करेंगे। एक एक करके जितने सारे ड्राइवर हैं, अब तुम्हारा सैमसंग का इंस्टॉल हो जाएगा, फिर कहीं क्वालिकॉम, एलजी, एचटीसी, मीडियाटेक, हवाई, वन बाय वन करके सारे ड्राइवर आपका, देखो एडीबी फास्ट बूट, सारे ड्राइवर वन बाय वन करके इंस्टॉल हो जाएंगे और आपके सिस्टम में कनेक्टिविटी करने के लिए चालू हो जाएंगे। अच्छा, इसको इंस्टॉल होने के लिए इंस्टॉल इज ए साइलेंट एंड ऑटो, नो नीड कनेक्ट इंटरनेट, ऑल ड्राइवर विल बी इंस्टॉल, ग्रिफिन अनलॉकर। ग्रिफिन अनलॉकर ने दे रखा है, एक साथ बना के दे रखा है कि एक साथ में आप सारे मोबाइल फोन के सारे ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर लेंगे। आप दोस्त चाहें डोंगल यूएमटी इस्तेमाल करें, या तुम एमआरटी इस्तेमाल करो, या अनलॉक टूल इस्तेमाल करो, या कोई भी टूल इस्तेमाल करो, लेकिन ड्राइवर दोस्त आप यहां से जाके इंस्टॉल कर लीजिए तो बड़ा आपको थोड़ा सा रिपेयरिंग के मामले में आपका बड़ा मदद हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर अलग अलग जगह से जाते हैं तो वहां पर फिर हमको ये परेशानी आती है कि कभी ये फोन कनेक्ट होता है, कभी नहीं कनेक्ट होता, पोर्ट बनाता नहीं बनाता, लेकिन इसके इंस्टॉल करने से मोस्टली हमारे मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको इंस्टॉल करने के बाद भी अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा सिस्टम ड्राइवर अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर हमको गूगल में जाकर के मैनुअली हमको डाउनलोड करना पड़ेगा और प्रॉपर वे में उसको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। तो चलिए सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाने दीजिए। सारे ड्राइवर जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। अच्छा, ये जितने भी सारी जो मैं वीडियो में आपको देता हूँ ये सारे ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन पर्पज पे वीडियो होती है। इन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप हमारे कमेंट में जरूर मैसेज करें कि हमको ऐसी ऐसी नॉलेज सीखने को मिल रही है। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ए टू जेड, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्त आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख सकते हैं। तो हम लोग इसका इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद फिर सारा सेटअप हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन आप इसके माध्यम से लॉक तोड़ सकते हैं। अभी मैं इस टूल को यूज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, इस टूल को इंस्टॉल करके भी बताऊंगा, कैसे आप टूल को यूज करेंगे, इसके माध्यम से काम कैसे कर पाएंगे, रिपेयरिंग कैसे कर पाएंगे, वो भी मैं आपको तौर तरीका बताऊंगा। देखिए हमारा सारा ड्राइवर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा प्रॉपर वे में चल रहा है, हमने इसको ना तो स्किप किया, ना फास्ट किया है, ना हमने वीडियो को कट कुट करते हैं। पूरा जो भी हम आपको समझाते हैं उस टाइम का हम आपको पूरा ट्यूटोरियल देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, या हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख के गए हैं,
अगर उस टाइम पे हमने ये चीज नहीं बताई थी तो आप वीडियो के माध्यम से सीख करके काम कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारा नंबर है ही आपके पास 6391711711 और 6391211211 है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखने के लिए कॉल सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग से सोल्यूशन है उससे संबंधित कॉल कर सकते हैं, या मोबाइल फोन के लिए अगर आपको कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत आती किसी चीज में फंस रहे हैं तब भी आप हमें फोन कर सकते हैं। ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर होते हैं आपके सामने, एक एक करके सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो ही रहे हैं, आप एक एक करके देख ही रहे हैं। इस समय इंस्टॉल LG ड्राइवर प्लीज वेट, आप जो क्वालिकॉम इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर क्वालिकॉम लिख के आएगा, जो भी इंस्टॉल होता है वो आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ जाता है और आप उसको एक एक करके देख रहे हैं समझ रहे हैं, और ऐसे आप भी करेंगे और आप अपने सिस्टम में जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा और प्रैक्टिकली तरीके से करने में आपको सही भी रहेगा। अब देखिए इंस्टॉल MediaTek ड्राइवर प्लीज वेट, MediaTek का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है बिल्कुल साइलेंट मोड में, एक एक करके खट 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 सारे ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। हमने मोटरोला का ड्राइवर इंस्टॉल किया, अब आपका SPD क्वालिकॉम दो ड्राइवर बचे हुए हैं, ये भी एक एक करके इंस्टॉल होंगे। साइलेंट मोड में आपके सिस्टम के अंदर सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, यहाँ पर लिखे थे इस टेक ए फ्यू मिनट्स, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लेगा, कुछ मिनट लेगा। क्वालिकॉम ड्राइवर इंस्टॉल प्लीज वेट, क्वालिकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अब हमारा SPD का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, SPD CPU को जो भी मोबाइल फोन आते हैं वो सारे मोबाइल फोन यहाँ पर होंगे। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्पेक्ट्रम ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, एक एक करके सारे ड्राइवर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। फिनिश, नेक्स्ट करेंगे, अब सारा ड्राइवर वन बाई वन करके इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर होते हैं आपके सामने देख ही रहे हैं, पांच पांच छह छह ड्राइवर हैं। जब आपके इंस्टॉल होने के बाद फिर आपके मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी बड़ा इजीली तरीके से हो जाती है।
ओके okay, यहाँ पर कई बार रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आप ध्यान रखना है आपको सिस्टम को रिस्टार्ट सेटअप लिखा है, डू नॉट क्लोज एप्लीकेशन, ओके कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर आप छोड़ देना, अगर रिस्टार्ट कर देंगे तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। क्लोज एप्लीकेशन अटेम्प्ट आफ्टर रिस्टार्ट सेटअप, ओके। फिनिश, हमारे सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तो इंस्टॉल होने के बाद अब आपका लीबस फिल्टर ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे, फिनिश, नेक्स्ट, कैंसिल, सारे ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश करेंगे, जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये इसका कहने का मतलब है जितने भी सारे ड्राइवर हैं सारे ड्राइवर आपके पैकेज के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। जैसे आप फिनिश करेंगे तो फिनिश करते ही सारे ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसका सेटअप इंस्टॉल करना है। ये ग्रिफिन अनलॉकर का सेटअप है। जैसे आप ग्रिफिन अनलॉकर का सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, आप यस करेंगे, तो वो टूल है ये टूल आपके स्क्रीन में खुल के आ जाएगा। जैसे अनलॉक टूल खुल के आता है वैसे ये भी खुल करके आएगा। हमने सेटअप को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारा सेटअप हमारे स्क्रीन में खुल जाएगा।
अब आपके जब स्क्रीन में खुल के आ जाएगा तो वो सेटअप एक एक करके इंस्टॉलेशन करने के लिए बोलेगा। अब इसको ओपन हो जाने दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से फिर इसका पूरे डिटेल में आपको समझा पाऊँ। अभी नहीं खुला, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। स्ट्राइक केयर किया, दोबारा खोल के देखते हैं बाहर। ये हमारा सेटअप आ गया, सेटअप को ओपन करेंगे। यस, ये हमारा सेटअप ऑनलाइन यूज होता है, ऑनलाइन वर्क करता है। तो यहाँ पर नेट की थोड़ा सा नेट की वजह से हो जाता है कि थोड़ा सा कई बार समय ले लेता है। और जैसे ओपन हो जाएगा तो सामने स्क्रीन पे, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये टूल इंस्टॉल करना बताया और हमारा अभी ये टूल नहीं ओपन हो रहा है और नेट की वजह से, सर्वर की वजह से दिक्कत कर रहा है, मैं ये आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जेफिन अनलॉकर टूल को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें ड्राइवर को कैसे डाउनलोड कर पा रहे हैं और सारे मोबाइल फोन को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो ट्यूटोरियल आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में आपको समझाया वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस टूल को परचेस करना चाहते हैं, इस टूल को लेना चाहते हैं, तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इस टूल के अलावा कोई और भी टूल लेना चाहते हैं, जैसे यमटे डोंगल है, अनलॉक टूल है, यो फाइव बॉक्स है, जेट एग है, या जेट थ्री एक्स है, या और भी जितने भी सारे बॉक्स आते हैं, मेरिकल है, या आपका बोर्डलो सेमेटिक, अगर आप इसमें से कोई भी आप टूल्स लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम मैसेज करने के बाद, और इन सब चीज़ों की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्त ये सब चीज़ें आपको, इन सब चीज़ों के लिए मैंने काफ़ी सारा फ्री ट्यूटोरियल वीडियो डाला हुआ है। और जो ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जीरो हैं, अगर वो यहाँ पर पूरा चाहें तो अपना पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख सकते हैं। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और नए टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के बारे में मैं आगे आपको सिखाऊंगा, प्लस इस टूल को यूज कैसे करेंगे उसका यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप एक मैसेज जरूर करें, हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे भी लगाएं और आप अच्छे से सीखें। थैंक यू दोस्तों।